Good morning, students. I hope you all are fine at your home. Today, I am going to read and explain the chapter number second of your SST subject. The name of the subject, the name of the chapter is Earth and its movements. In this chapter, we will cover different topics like we will study about the structure of Earth, discuss the movement of Earth, rotation and revolution, and आई विल एक्सप्लेन यू हाउ द सीजन्स अकर ओके लेट्स गेट स्टार्टड विद द रीडिंग ऑफ द चैप्टर आर प्लानिट अर्थ हम कौन से प्लानट पर रहते हैं हम अर्थ पर रहते हैं हम सबको पता है कि हम अर्थ प्लानट पर रहते हैं अर्थ ही एक ऐसा प्लानट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है द अर्थ इज ओनली द अर्थ इज द ओनली प्लानट दैट हैज एंड एटमोसफेयर कंटेनिंग अबाउट ट्वेंटी वन परसेंट ऑक्सीजन हमारा अर्थ ही एक ऐसा प्लान है जिसके ऊपर एटमोसफेयर है जिसके अंदर ट्वेंटी वन परसेंट ऑक्सीजन है अब हम सबको पता है एक ह्यूमन बीइंग को सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है ऑक्सीजन होगी तभी हमें सांस आएगा तभी हम सरवाइव कर सकते हैं इट इज़ द ओनली प्लानट दैट हैज़ लिक्विड वाटर ऑन इट सरफेस एंड दैट एंड दिस इज बाय द अर्थ अपीयर्स ब्लू फ्रॉम स्पेस अब ये कह रहे हैं कि जो हमारी अर्थ है इसी के सरफेस के ऊपर लिक्विड वाटर है इसी की वजह से हम स्पेस से जो हमारी अर्थ है वो ब्लू कलर की दिखाई देती है यू हैव टू अंडरलाइन वन वर्ल्ड हेयर दैट इज ट्वेंटी वन परसेंट ऑक्सीजन इट इज ऑल्सो द ओनली प्लान इन द सोलर सिस्टम दैट हैज लाइफ इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स एनिमल्स इंसेक्ट्स बर्ड्स एंड ह्यूमन्स हमारी अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ है प्लेनेट प्लांट्स की लाइफ है एनिमल्स की लाइफ है इंसेक्ट्स की लाइफ है बर्ड्स हैं ह्यूमंस हैं सिर्फ एक हमारी धरती ही ऐसी है हमारी अर्थ ही ऐसी है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स एनिमल्स इंसेक्ट्स बर्ड्स एंड ह्यूमंस नाउ वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अब स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में द अर्थ वॉज फॉर्म मिलियन मिलियन ऑफ़ ईयर अगो फॉर्म क्लाउड ऑफ डस्ट एंड हॉट गैसेज जो मेरी अर्थ है वो बहुत पुराने समय में बहुत हजारों सालों पहले क्लाउड ऑफ डस्ट और हॉट गैसेज से बनी थी अंडरलाइन करें वर्ड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड हॉट गैसेज इनिशली इट वॉज़ वेरी हॉट सब पहले ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होती थी विद विध टाइम द हॉट गैसेज ग्रेजुअली फॉर्म्ड क्लाउड्स और टाइम के साथ साथ क्या हुआ जो हॉट गैसेज थी उन्होंने क्लाउड्स बनाने शुरू कर दिए क्या बनाने शुरू कर दिए क्लाउड्स बनाने शुरू कर दिए देर वर्क कंटीन्यूअस रेन्स दाट कूल द आउटर सर्फेस और कंटीन्यूस रेनिंग की वजह से जो मेरा आउटर सरफेस है अर्थ का वो ठंडा होता चला गया सो द सर्फेस बिकम हार्ड ऑन कूलिंग और कूलिंग की वजह से जो सरफेस था वो हार्ड हो गया वाटर अपीयर ऑन द सरफेस इन लिक्विड फॉर्म जो वाटर अपीयर होता है सरफेस के ऊपर वो लिक्विड फॉर्म में अपीयर होता है द गैसेज फॉर्म द एटमोसफेयर और जो गैसेज हैं उन सब ने मिलकर क्या किया हमारे एटमोसफेयर को बनाया एटमोसफेयर को अंडरलाइन करेंगे स्लोली द कंडीशन बिकेम सुटेबल फॉर लाइफ टू टेक फॉर्म और स्लोली स्लोली ऐसी कंडीशंस बनती के चली गई जो एक लाइफ के सर्वाइवल के लिए सुटेबल हों नाउ हम तीन जो मेरी अर्थ की लेयर्स होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे अर्थ मेनली तीन लेयर से बनी हैं द अर्थ इज मेड अप ऑफ थ्री लेयर सबसे पहली लेयर का नाम है क्रस्ट दूसरी लेयर का नाम है मेंटल एंड थर्ड एयर का थर्ड लेयर का नाम है कोर क्या नाम है कोर द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कोल्ड द क्रस्ट जो मेरी आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाली लेयर है उसको मैं क्रस्ट बोलती हूँ यू कैन सी

द लेयर बिलो द क्रस्ट इज़ कॉल्ड मेंटल जो मेरी लेयर नीचे होती है क्रस्ट वाली लेयर से उसको हम मेंटल बोलते हैं इसको बीच वाली लेयर बोलते हैं हम इट इज़ हॉट एंड मेड अप ऑफ थिक लेयर ऑफ रॉक्स ये बहुत ये गर्म होती है बहुत गर्म नहीं होती गर्म होती है इट इज़ हॉट एंड मेड अप ऑफ थिक लेयर्स ऑफ रॉक्स और ये ये क्या होती है थिक लेयर से बनी होती है रॉक्स की जिसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे आयरन हो गया मैग्नीशियम हो गया आयरन को अंडरलाइन करें और मैग्नीशियम को अंडरलाइन करें और बात आती है इनर मोस्ट सबसे अंदर वाली लेयर की द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ वेरी हॉट एंड इट इज मोल्टन इन स्टेट ये क्या होती है जो सबसे ज्यादा मतलब गर्म होती है ये लेयर और मोल्टन स्टेट में होती है मोल्टन स्टेट यानी कि पिंगली हुई स्टेट में इट इज नोन एज कोर एंड इट इज नोन एज द कोर इसे कोर के नाम से जाना जाता है और ये काफ़ी डेंस मिनरल से बनी होती है एंड इट इज मेड अप ऑफ डेंस मिनरल्स मेनली आयरन एंड निकल ये मेनली आयरन और निकल से बनी होती है यू कैन सी अ वोल पिक्चर है द मोल्टन मटीरियल प्रेजेंट द कोर इज़ नोन एज लावा जो मोल्टन मटीरियल होता है मोल्टन मटीरियल यानी पिघला हुआ जो मटीरियल है इस लेयर के अंदर उसको हम क्या कहते हैं कोर के अंदर जो पिंगला हुआ मोल्टन स्टेट का जो मटेरियल है उसको हम क्या बोलते हैं और लावा और मैग्मा अंडरलाइन करें वर्ड लावा एंड मैग्मा इट गसेस आउट विद ग्रेट फोर्स फॉर्म कॉन शेप्ड माउंटेन विच आर नोन एज माउंटेन्स विच आर नोन एज वैनोस ये क्या करता है <coughs> इसकी ना कौन शेप होती है इस इन माउंटेंस की ये ऐसे करते हैं कौन शेप माउंटेन से बाहर आता है ठीक है जैसे कौन कैसा होता है नीचे से हमारा चौड़ा होता है ऊपर से जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं उसका जो है मतलब उसकी जो विर्थ है चौड़ाई है कम होती चली जाती है वो क्या करता है जो मेरा वोल्केनो है वोल्केनो की शेप में वोल्केनो की मतलब जैस जब मतलब जो मेरा मैग्मा अंदर होता है कोर के वो बाहर आता है काउ कौन शेप माउंटेन से जिसको हम क्या बोलते हैं वोल कैन आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं ठीक है और जिस होल से द होल फ्रॉम वेयर द लावा कम्स आउट इज नोन एज क्रेटर जो जिस होल से लावा बाहर आता है उसको हम क्या बोलते हैं क्रेटर बोलते हैं यू कैन सी द वकैनोज पिक्चर है लावा फ्लो हो रहा है क्रिएटर यानी कि ये जो है जिस ओपनिंग से बाहर निकल रहा है उसको हम क्रिएटर बोलते हैं अब हम बात करेंगे मूवमेंट ऑफ द अर्थ देखिए जो मूवमेंट होती है अर्थ की उसी की वजह से हमारे दिन और रात बनते हैं और हमारे सीजन जो हैं वो चेंज होते हैं वी नो दैट our अर्थ एंड अदर planets मूव अराउंड द Sun सन हम सबको ये बात पता है कि जो हमारी अर्थ है और दूसरे जो प्लानट हैं वो सन के आसपास सन के चारों तरफ सारा दिन सन के आसपास हमेशा चक्कर लगाते रहते हैं आर अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन टू वेज जो मेरी अर्थ है वो सन के आसपास कैसे चक्कर लगाती है सन के अराउंड कैसे चक्कर लगाती है सन के अराउंड कैसे चक्कर लगाती है रोटेशन और रेवोल्यूशन सबसे बेसिक बात है हमारे जितने भी प्लानट हैं चाहे वो हमारी अर्थ है या मेरे अदर प्लानट्स हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं सन के अराउंड चक्कर लगाते रहते हैं ठीक है और जो मेरी अर्थ है वो दो तरह से सन के अराउंड चक्कर लगाती है पहला क्या है रोटेशन दूसरा है रेवोल्यूशन और ये दोनों के दो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑफ़ डे डे नाइट, नाइट एंड एंड सीज़न्स के चेंज होने के लिए सब ठीक है द दीज टू मोमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अक्रंस ऑफ डे एंड नाइट एंड सीजन्स रोटेशन एंड रेवल्यूशन की वजह से ही क्या होता है हमारे डे एंड नाइट चेंज होते हैं और हमारे सीजन्स चेंज होते हैं in the upcoming video we will talk about we will learn about rotation and day and night occurrence and revelation seasons of the earth students today you have to read the chapter second underline the difficult words try to learn uh, the three layers of the earth and the what is uh, the basic difference between the these three layers thank you so much stay at home stay safe stay healthy thank you